दिल्ली की सड़क रात को इतनी सुनसान रहती है और गाइस यहाँ का जो आप खाना खाओगे ना उसके बाद ये हाल हो जाना है। देखो तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हो ये रात और देखो टाइम कितने बज गए, 10 बज गए, 10 बजने वाले हैं अभी। हाँ, तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि अभी है ना खाना वाना खा के हम फ्री हुए थे, वैसे ही बात कर रहे थे कि फिर मैंने मेरी फ्रेंड थी भाभी उसको कॉल किया, फ्रेंड लगा लो, बहन लगा लो, मतलब भाभी लगा लो, जो भी, मैंने वैसे ही बात करने का मन कर रहा था। तो अभी वो ड्यूटी अभी उनकी ऑफ हुई है, तो फिर मैंने इसु के पापा से बात करी कि आज हम भाभी को, उनका ड्राइवर नहीं था, ड्राइवर की तबीयत खराब थी, तो हमने प्लान बनाया कि चलो हम आइसक्रीम भी खा के आएंगे और भाभी को, वो द्वारका में रहती है तो दादा देव हॉस्पिटल से लेके, और हम द्वारका तक भाभी को ड्रॉप करके आएंगे। तो रात के 10 बज रहे, तो हमारा ब्लॉग आज का यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलो जल्दी जल्दी आ जाओ विष्णु, तेरी छोटी ठीक करो, आंटी उगेगी ईशु की तो छोटी भी इतनी गंदी कर रखी। चलते हैं तो गाइज मैं भी आइसक्रीम खा के आऊंगा इनके साथ। पैसे तो लिया? पैसे नहीं मेरे पास में, तो फालतू में से फ्री में खा के आऊंगा आपके साथ में। पैसे तो लिया? पैसे गाइज मैं भी जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने के साथ में। मैं भी मुझे बहुत मजा। बताओ यार आइसक्रीम खा जाते हैं ना, मेरा मन कर रहा था। तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं और आप देख सकते हो पूरा एकदम रास्ता खुला है अभी, क्योंकि रात के 10:30 मतलब रात के 10 बज गए हैं ना, तो 10 बजे बाद है ना सारे लोग मतलब आ जाते हैं ऑफिस से, तो सड़कों पे भीड़ नहीं होती। और वैसे दिल्ली में तो अगर आप रहते हो ना तो रात के 10 बजे निकलोगे रात को फोर व्हीलर लेके, तो अलग ही मजा आएगा क्योंकि सड़कें खाली मिलेगी आपको। तो गाइस मैं भी बैठी हूँ, मुझे ना विष्णु आने के बाद मेरे को पीछे बैठना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं है, लोगों भी खुश रहता है पीछे बैठ के। तो गाइस मैं अभी आपको बता ही देती हूँ कि है ना अभी हम खाना खा रहे थे, वैसे प्लान तो हमारा बन रहा था बाहर जाने का, तो फिर मैं वैसे ही खाना बनाती बनाती मेरी फ्रेंड है डॉक्टर है वो, तो मैं उनसे बात कर रही थी कि मैं मन कर गया था बात करने का, तो फिर भाभी बोल रही थी, मैं उसको भाभी बोलती हूँ उनको, कि इनके दोस्त थे उनके हस्बैंड, तो भैया भाभी बोलती हूँ उनको मैं, भाभी दादा देव हॉस्पिटल में करती है जॉब, तो अभी वो ड्यूटी उनकी ऑफ हुई तो घर जा रही थी, उनका ड्राइवर की तबीयत खराब हो रखी थी, तो ड्राइवर नहीं आया, तो उन्होंने बोला मेरे से कि चल मिंटू मैं ना कैब करती हूँ और मैं घर के लिए निकलती हूँ। तो फिर मैंने बोला ईशु के पापा से कि चलो आज हम बाहर आइसक्रीम भी खाएंगे और भाभी को उनके घर तक ड्रॉप भी करके आएंगे, तो अभी भाभी से मिलते हैं। और मेरे पहले भी ब्लॉग में आ रखी है भाभी, आप जानते होंगे, देखा दिखा तो दिया, जैसे मिलवा भी दिया, तो आज फिर से मैं आपको मिलवाती हूँ, तो बने रहना ब्लॉग में। अभी दादा देव हॉस्पिटल आने वाला है, तो पहुँचने वाले हैं हम 2-4 मिनट में। सीधा कर लो थोड़ी देर, बस सीधी कर लो थोड़ी देर, सीधी कर लो। अभी जी व्लॉगिंग स्टार्ट है हमारी, तो हाय कर लो, हाय कर लो, हाय। ये क्या वैसे कॉमेडी करते हैं, सोच रहे थे भाभी को छोड़ आएंगे आइसक्रीम खा के आएंगे, ये भाभी थक जाती होंगी ना पूरा दिन, ये कौन है आपको क्या लगा, बताओ। मैंने ना थोड़ा लेट बोला, खाना खा लिया था मैंने तब बोला, थैंक यू देना। कौन सा पसंद है अब तो आंटी के पास चली गई, मुझे भी मुझे भी बहुत खुश होती है आपको, संजय हेलो, अब आएगा नहीं संजय,
हेलो संजय बाय आगे बैठो ना दीदी आप आगे बैठो ना नहीं आगे मामू बैठे नहीं बैठे संजय बाय अरे आपके तो मूछे बन गई इसको फेंक दे संजय बाय सड़क रात को इतनी सुनसान रहती है और गाइस आइसक्रीम इसो आइसक्रीम चाहिए क्या तेरे को ये रहा आइसक्रीम वाला तू और गाइस अभी हम मिंटू की जो फ्रेंड थी भाभी जी को हमने उस उनके फ्लैट पे छोड़ दिया है और गोद में बैठा हुआ है और डुगू है ना अभी डुगू की मम्मी की गोद में बैठा है डुगू और डुगू वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस बोल दो डुगू और डुगू की मम्मी गाड़ी चला रही है और डुगू के पापा वो बैठे हैं गाइस ये थोड़ा सा उल्टा सिस्टम हो गया क्या डुगू है ना इधर बोलते हैं पापा वो इधर बोलते हैं मम्मा जी और उधर बोलते हैं पापा जी अब ये डुगू का पता नहीं क्यों बोलता है और देखो सुस्की मार रहा है और है ना गाइस मम्मा की गोद में बैठता है देखो गाड़ी चला रहे हैं जी फिर भी मम्मा की गोद में बैठा है और पापा तो पीछे रेस्ट कर रहे हैं बता दूं रात के 11 बज गए अब वापसी घर जा रहे हैं इसने खूब आइसक्रीम खा ली और गाइस आप लोगों को बता दूं मिंटू की फ्रेंड भाभी जी को छोड़ दिया फ्लैट पे अब भाई जीजू के फ्रेंड है अब उनका क्या रेस्टोरेंट है ना तो रास्ते में पड़ता है तो उनका कॉल आया वो बोल रहे हैं कि यार नहीं हो मतलब रेस्टोरेंट से कुछ थोड़ा बहुत खा के जाना तो वैसे अब लोगों ने खाना वाना खा लिया था पेट भरा है पूरा लेकिन उनकी इच्छा है कि यार नहीं यहाँ से चाय कॉफ़ी पी जाना लेकिन यहाँ से निकल रहे हो तो होटल पे मतलब रेस्टोरेंट पे जरूर आके जाना तो देखते हैं अगर दिल कहेगा मम्मा जी का इनका फोन आ गया और देखो फोन भी आ गया इनके फ्रेंड का तो चलो आपको दिखाते हैं उनका अभी हम आ चुके हैं जीजू के दोस्त का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे तो अभी मिलवाते हैं जीजू के दोस्त से तो गाइज अभी हम आए थे हमारे एक दोस्त के रेस्टोरेंट पे और गाइज आप अभी एड्रेस देख सकते हो सरदार जी पंजाबी रेस्टोरेंट द्वारका सेक्टर 10 में है और गाइज जो भी यहाँ पे आएगा भाई कोई भी चीज़ खाएगा ना यहाँ पे आके मिंटू का नाम लेने से 10% डिस्काउंट और अभी यहाँ पे एक ऑफर भी चल रहा है आप देख सकते हो इनमें से कोई भी चीज़ आप खाओगे 199 में और मिंटू का जो नाम लेगा उसको 10% डिस्काउंट अलग से मिलेगा तो भाई कहीं जरूर का भी हो बाहर का हो यहाँ दिल्ली में रहता कहीं से भी हो हाँ, मेरा नाम लेना मिंटू मीना के नाम से कि मिंटू मीना के फैंस है हम हाँ। तो इन भैया का रेस्टोरेंट है तो इनसे मिलवाते हो भैया कुछ बोलो हाँ जी 101% 10% डिस्काउंट मिलेगा मिंटू मीना के नाम से और आपका नाम भी बता मेरा नाम है सुभाष चंद जी तो गाइस जब भी अगर आपका इधर आना होता तो जरूर यहाँ पे आना और बहुत अच्छा हमने खाना भी खाया काफी टेस्टी खाना है यहाँ का तो एक बार जरूर खा के जाना अगर इधर आप लोकेशन देख सकते हो दिखा दो आपको यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की सुविधा भी अच्छी मिलेगी और जगह खाली मिलेगी अगर शाम को आते हो आप तो नाइट को पूरी जगह खाली है बहुत ज़्यादा और आप यहाँ आराम से शांत माहौल में बैठ के कुछ भी खा सकते हो आपकी जो इच्छा हो 10% डिस्काउंट मिंटू के नाम से और गाइस बता देती हूँ यहाँ पे नॉन वेज और वेज नॉन वेज दोनों मिलते हैं ना भैया दोनों अवेलेबल है ना और सरदार जी की स्पेशल दाल मखनी तो गाइस जरूर अगर यहाँ पे जब भी आपका इधर से आना होगा या फिर खाने के लिए भी एक बार जरूर आना गाइस यहाँ का प्रसिद्ध भट्टी चिकन मैं तो कभी खाती नहीं तो मुझे पता नहीं है भैया ने बोला भैया आप बोलो हाँ मैंने बोला भाई वेज में स्पेशल दाल मखनी और नॉन वेज में भट्टी चिकन स्पेशल सरदार जी पंजाबी रेस्टोरेंट वालों हाँ। तो
तो गाइज हमने भी खाना खाया, काफी टेस्टी खाना था। एक बार आप भी आना और जरूर खा के जाना। और ये भैया आपको हमेशा, और गाइज खाने के बाद इस तरह से जाना ही दिखा दो जाकर। और गाइज यहाँ का जो आप खाना खाओगे ना उसके बाद ये हाल हो जाना है, देख लो। और वो क्यों? क्योंकि आप टेस्टी खाना इतना है कि आप खाओगे इतना, क्योंकि पेट में जगह ही नहीं रहेगी तो सो जाना है फिर खाके। गाइज रेस्टोरेंट पे हमने बहुत सारी चीजें खाई, कोल्ड ड्रिंक भी पी, पनीर टिक्का और मलाई चाप। और वो गाइज है ना खाने के चक्कर में ना वीडियो नहीं बना, खाने के चक्कर में वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि खाने में लग गए सारे। वीडियो भी बना लेते हैं ना पर इशू ने डिस्टर्ब कर दिया, इशू को नींद आ रही थी। और ना ये है ना ये रोने लग गई क्योंकि वहाँ पे मच्छर थे। तो गाइज ये देखो मेरे बिगड़े एक मिनट ले लो, ये इसकी मम्मा की गोदी में बैठी है ना, तो ये कारण था गाइज तो वीडियो नहीं बना पाए, बाकी सारी चीजें खाए वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह। रील्स वील्स बनाने के चक्कर में भी नहीं दे पाए ना वहाँ का, वो खाए तो पहले फटाफट खा लिया और फिर रील बनाने लग गए। वैसे किसी की बच्चों को इतना लाड़ प्यार से मत रखना, जो देखो ये हाल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मेरे साथ। नहीं गाइस मैं तो ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा किसी को मतलब अपने भाई को रील के चक्कर में लगाना। भाई देख सीधी बात अपनी तो देख, और कुछ नहीं रखा बातों में, काम कराओ घर पे, कुछ नहीं रखा बातों में, काम कराओ घर पे, उनको रोटी बनाने का काम है उनका। और इसको मैं कम रखती हूँ पर ये तो ना जिद ही करती है, पता नहीं क्यों रात के टाइम शुरू से लगा हुआ है मेरे साथ में इसका। जब ये ड्यूटी चले जाओ जब पता मेरे पास कैसे रहता है। गाइस आप देखते हो नींद में भी आज की वो खा रही है, देखो चॉकलेट। इसने तो कई तो फ्रूटी पी ली। तो गाइस काफी रात हो गई, 12 बज गए, 12 से भी ज्यादा का टाइम हो रहा है। तो हम घर पे पहुंच गए, खूब एंजॉय किया, अच्छा भी लगा रात के टाइम घूमना फिरना, बच्चों ने खूब आइसक्रीम वगैरह सब खाई। तो हमारे ब्लॉग का यही एंड होता है, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जब तक के लिए बाय बाय।